गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, आज मैंने आपके क्लास में कुछ फिगर बनाया हुआ है। चार वर्णों वाले हम शब्द पढ़ रहे हैं ना, चार वर्णों वाले शब्द। इसके पहले मैंने वाक्य पढ़ लिया है, अब हम ये जो फिगर बनाए हैं ना उसको देख करके आपको उसके नेम लिखने हैं, मैंने किस किस चीज के फिगर बनाए हुए हैं। ओके, चलिए हम पहले फिगर देखते हैं। ये बड़ा सा कुछ है, इसकी सब्जी इस मौसम में मिल रही है ना, समर सीजन में। क्या है ये, चलिए आगे पढ़ के देखते हैं कि ये लिखा क्या है। क खाली, ट खाली, ह खाली, ल खाली, क्या हो गया, कटहल, कटहल। अब नीचे मैंने कोई फिगर बनाया है, क्या है ये, ये भी सब्जी है, राइट। प खाली, र खाली, व खाली, ल खाली, परवल। परवल की सब्जी खाते हो, मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे परवल की कलौजी बहुत अच्छी लगती है, आपको भी। ओके, उसके नीचे मैंने देखिए किस चीज का चित्र बनाया है, छोटा अ, द खाली, र खाली, क खाली, अदरक। ये चाय में पड़ती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट, और सब्जी में भी कुछ लोग डाल के खाते हैं क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, ये अदरक। नेक्स्ट फिगर मैंने बनाया है शरबत का, बड़ा श, र खाली, ब खाली, त खाली, शरबत। ठंडी के मौसम, सॉरी बेटा गर्मी के मौसम में बहुत शरबत पीछे, मुझे तो बहुत पसंद है शरबत पीना गर्मी के मौसम में। ओके बेटा, ये आपका ये है ना जो मैंने फोर फिगर बनाए हैं, ये आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में लिखोगे। क्लास वर्क में आपका ये फोर फिगर रहेगा, इसके नेम आप लिखोगे और फाइव टाइम पढ़ोगे ताकि आपको पढ़ना आ जाए। जब एक एक वर्ड आप पढ़ोगे ना बेटा तो आपको पढ़ना आ जाएगा। ऊपर देखिए मैंने लिखा है ना क्लास वर्क, चपे छोटी मात्रा ची, तपे ओ की मात्रा तो, ऊपर आधा रा चित्रो, कपे ओ की मात्रा को, दपे ए की मात्रा दे, खा खाली, का खाली, र खाली, देख कर। मैंने मतलब मैंने ये जो फिगर बनाया है ना उसको देख करके, बड़ा श, आधा ब, द खाली शब्द, लपे छोटी मात्रा ली, खपे ओ की मात्रा खो, लिखो। चित्रों को देखकर शब्द लिखो। देखिए मैंने आपकी क्लासों की कॉपी में फोर फिगर बनाए हुए हैं, इनको देख करके अगर आप बिना कॉपी किए लिख सकते हो तो लिखो, और अगर नहीं लिख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैंने देखो लिखा है ना, अब सेम देख करके लिख लेना। ओके, और नेक्स्ट पेज पे आप होमवर्क जरूर डालोगे। होमवर्क में मैंने दिया है चार वर्डों वाले पांच वाक्य लिखो। अब देखो ये मैंने शब्द लिखा है ना आपकी क्लास वर्क की कॉपी में, लेकिन अब आपको वाक्य लिखने, जस्ट अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट उसका। मैंने बताया था ना दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ को वाक्य कहते हैं, तो आपको वाक्य कैसे बनेगा। जैसे मैंने ये कटहल लिखा है ना, लिखा है ना, तो कटहल के आगे हम र और ख दो अच्छे लिखेंगे, रख, तो कटहल रख मिलके क्या हो जाएगा, एक वाक्य बन जाएगा। जैसे मम्मी कहती है कटहल रख दो, तो वो एक वाक्य हो गया ना, कटहल रख। फिर देखिए मैंने परवल नीचे लिख दिया है, परवल चख, परवल की एक सब्जी होती है जो कि सबको पसंद है, कुछ लोग को नहीं पसंद है लेकिन पता है ना कि परवल की सब्जी होती है, तो परवल चख। अदरक चख हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है, शरबत चख भी हो सकता है, ये सारे आपके क्या हो सकते हैं, वाक्य। तो आप वैसे ही चार वर्ड वाले फाइव वाक्य, फाइव सेंटेंस आप अपनी होमवर्क के पेज पे जरूर लिखोगे। ओके,